माथेरान हिल स्टेशन। अगर आप कहीं पर हिल स्टेशन पे जाना चाहते जहाँ पर टॉय ट्रेन हो, हॉर्स राइडिंग हो और बहुत सारे वाटरफॉल्स हो और साथ ही में नेचर भी बहुत ही ब्यूटीफुल हो, तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में हम आपको माथेरान हिल स्टेशन लेकर जाने वाले। माथेरान आपको कैसे जाना है, माथेरान हिल स्टेशन में आपको कितने टूरिस्ट पॉइंट घूमने हैं, माथेरान में होटल्स के रेट क्या होंगे, फूड्स के क्या रेट होंगे, हॉर्स राइडिंग कितने की होगी, टॉय ट्रेन के टिकट्स कितने के होंगे, टॉय ट्रेन का टाइमिंग क्या होगा, इस वीडियो में हम आपको माथेरान हिल स्टेशन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले। और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले आपको माथेरान जाना कैसे है, हाउ टू रीच माथेरान हिल स्टेशन। माथेरान जाने के लिए आपको नेरल रेलवे स्टेशन पर आना होगा। नेरल रेलवे स्टेशन माथेरान का सबसे पास वाला और सबसे नजदीक वाला रेलवे स्टेशन है। आप लोकल ट्रेन पकड़कर भी नेरल रेलवे स्टेशन तक आ सकते हो। नेरल टू माथेरान टैक्सी सर्विस अवेलेबल है और नेरल रेलवे स्टेशन के बाहर ही आपको टैक्सी स्टैंड नजर आएगा। नेरल टू माथेरान टैक्सी सर्विस पर पर्सन 100 रुपीज चार्ज करती है। अगर आप माथेरान बाय रोड आना चाहते तो मुंबई से माथेरान 80 किलोमीटर के दूरी पर है और पुणे से माथेरान 120 किलोमीटर के दूरी पर है। अगर आप माथेरान कार या बाइक लेकर आते तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा पार्किंग एरिया बना हुआ है। 4-व्हीलर का 80 रुपीज चार्ज है पार्किंग का और 2-व्हीलर का 45 रुपीज है चार्ज पार्किंग का। माथेरान हिल स्टेशन में आपको एंट्री करने के लिए 50 रुपीज अडल्ट एंड 25 रुपीज चाइल्ड एज अ एंट्री फीस देना होता है। अभी हम माथेरान पहुंच चुके और वीडियो में मैं आपको आगे टॉय ट्रेन, होटल रूम्स, हॉर्स राइडिंग और एक दिन में कितने जगह घूमने सब इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, तो ये वीडियो पूरा देखो तभी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। माथेरान में एंट्री मारने के बाद आपके पास 4 ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन है माथेरान की टॉय ट्रेन और सेकेंड ऑप्शन है हॉर्स राइडिंग और थर्ड ऑप्शन है टांगा राइड और फोर्थ ऑप्शन है आप माथेरान के टॉय ट्रेन के ट्रैक से चलकर भी जा सकते हैं। हमारा सबसे पहला ऑप्शन है माथेरान की टॉय ट्रेन, जिसे माथेरान की रानी भी कहा जाता है। माथेरान की टॉय ट्रेन अमन लॉन्च टू माथेरान सर्विस प्रोवाइड करती है। माथेरान की टॉय ट्रेन पर पर्सन 45 रुपीज चार्ज करती है और ये सबसे लो कॉस्ट है और सबसे कन्वीनियंट ऑप्शन है। और माथेरान की टॉय ट्रेन आपको ब्यूटीफुल नज़ारा दिखाते हुए माथेरान तक लेकर जाती है। हमारा सेकेंड ऑप्शन है हॉर्स राइडिंग। अगर आप माथेरान में आकर हॉर्स राइडिंग करना चाहते तो हॉर्स राइडिंग 400 से स्टार्ट होती है और वो 2000-3000 तक जा सकते हैं, लेकिन आप घोड़े वाले से बार्गेनिंग करके वो रेट्स कम भी कर सकते हैं। हमारा थर्ड ऑप्शन है टांगा राइड। टांगा राइड में घोड़ा नहीं होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 इंसान आपको खींचकर लेकर जाते और इसका रेट होगा 600-800 तक। हमारा लास्ट ऑप्शन है कि आप माथेरान के टॉय ट्रेन के ट्रैक से चलकर भी जा सकते हैं। चलकर जाने का फायदा ये होता है कि आप जहाँ पर चाहे वहाँ पर रुक कर फोटोज वगैरह क्लिक कर सकते हैं। जब आप चलकर जा रहे हो तो तभी आपको बहुत ही ब्यूटीफुल नेचर का नज़ारा देखने को मिलता है और जहाँ पर चाहे वहाँ पर आप रुक भी सकते हैं, लेकिन आपको 2 किलोमीटर तक चलना होगा या फिर आप माथेरान की टॉय ट्रेन से भी जा सकते हैं। अमन लॉन्च टू माथेरान जाने के मैंने आपको सभी ऑप्शंस बता दिए। अगर आप चलकर नहीं जाना चाहते तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा माथेरान की टॉय ट्रेन, जो कि आपको बहुत ही सस्ते में लो प्राइस में माथेरान लेकर जाती है, जिसका टिकट ओनली 45 रुपीज है। सो फाइनली हम माथेरान के मेन मार्केट एरिया तक पहुंच चुके और माथेरान में आपको घूमने के लिए कितनी जगह है, माथेरान में आप एक दिन में कितने टूरिस्ट पॉइंट घूम सकते, होटल रूम्स और फूड मैं अभी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। माथेरान हिल स्टेशन में अगर आप वन डे ट्रिप का प्लान करते हैं, यानी कि एक ही दिन में माथेरान घूमकर वापस जाते तो नो प्रॉब्लम, लेकिन आप अगर माथेरान में होटल रूम्स लेकर रुकना चाहते तो माथेरान के मेन मार्केट एरिया के पास में आपको बहुत सारे होटल रूम्स नज़र आएंगे, जहाँ पर आपको 800-4000 तक होटल रूम्स के रेट्स देखने को मिल सकते और उसमें ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड होता है। लेकिन आपको लो प्राइस पर होटल रूम चाहिए तो माथेरान के मेन मार्केट एरिया से दूर आपको रूम लेना होगा। जब आप माथेरान के टॉय ट्रेन का जो ट्रैक है वहाँ से चलकर आ रहे होते तभी आपको बहुत सारे होटल छोटे छोटे नज़र आते, तो वहाँ पर आप इंक्वायरी कर सकते, वहाँ पर आपको लो प्राइस में होटल रूम्स मिल जाएंगे। या फिर आपको माथेरान में जो होम स्टे कराते उनके पास अगर आप रुकते तो वहाँ पर भी आपको होम स्टे में लो प्राइस में होटल रूम्स मिल जाएंगे, लेकिन आपको माथेरान में आराम से 1200 तक होटल रूम्स मिल जाएंगे जिसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूड होता है। अगर आप फूडीज लवर हो, आपको खाना बहुत पसंद है, तो माथेरान में आपको सभी प्रकार का फूड अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप बात करते लंच थाली एंड डिनर थाली की, तो माथेरान में आपको 100-200 में लंच एंड डिनर थाली आराम से किसी भी होटल में अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन आपको अगर लो प्राइस पर चाहिए, माथेरान थोड़ा सा हिली एरिया, यहाँ पर थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा है फूड का, लेकिन आपको लो प्राइस पर फूड चाहिए तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं, लोकल पीपल, वो यहाँ पर फूड स्टैंड लगाते, आप वीडियो में देख सकते। अगर आप उनसे फूड लेते
तो आपको काफ़ी लो प्राइस में फूड मिलेंगे, जो कि 20 रुपीज़ to 50 रुपीज़ में आसानी से आपको लोकल पीपल के पास स्टैंड से फूड अवेलेबल हो जाएगा, जो कि बहुत ही लो प्राइस पर होता है और बहुत ही क्वालिटी वाला फूड होता है। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि यहाँ पर जो लोकल लोग हैं उनसे आप फूड ले सकते हैं, अगर आपको लो प्राइस पर फूड चाहिए तो, और इनकी क्वालिटी भी एकदम बेस्ट होती है। सो फाइनली अभी हम एक एक करके माथेरान के सभी टूरिस्ट पॉइंट घूमना स्टार्ट करने वाले। माथेरान में घूमने के लिए आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स है, लेकिन बहुत सारे टूरिस्ट को पता नहीं होता है कि उनको कौन से पॉइंट विजिट करना चाहिए, तो मैं आपको पूरा गाइड करने वाला हूँ। माथेरान में आपको सभी पॉइंट्स घूमने के लिए हॉर्स राइडिंग अवेलेबल हो जाएगी, जो कि माथेरान का मेन मार्केट एरिया, वहीं से आपको बहुत सारे घोड़े वाले नज़र आ जाएंगे, लेकिन घोड़े वाले सीधा पॉइंट पर ही लेकर जाते, बीच में नहीं रुकते। तो मैं आपको रेकमेंड करने वाला हूँ कि अभी सभी पॉइंट्स आप चलकर विजिट करना, क्योंकि अगर आप चलकर जाते तो आपका मन चाहे आप वहाँ पर रुक सकते, जहाँ पर आपको ब्यूटीफुल नेचर दिखा वहाँ पर आप रुककर फोटोज वगैरह क्लिक कर सकते, तो चलने का यही फायदा होता है, या फिर आप हॉर्स राइड भी ले सकते हैं। सो माथेरान में हमारा सबसे पहला पॉइंट है माधवजी पॉइंट। माधवजी पॉइंट मार्केट एरिया के बिल्कुल पास में ही है। यहाँ पर आने के लिए आपको एक गार्डन के अंदर आना होता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा है। माधवजी पॉइंट से आपको डीप वैली का नज़ारा नज़र आता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉनसून में फॉग होने के कारण नीचे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन जो फॉग का नज़ारा है वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल है। और इस पॉइंट पर कुछ गेम एक्टिविटी भी चलती है, तो आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप गेम एक्टिविटी खेलना चाहते हैं तो आप गेम एक्टिविटी भी खेल सकते हैं। माथेरान के मार्केट एरिया के पास में आपको दो पॉइंट्स नज़र आएंगे, पहला पॉइंट माधवजी पॉइंट और दूसरा पॉइंट खंडाला पॉइंट। खंडाला पॉइंट और माधवजी पॉइंट देखने के बाद आगे बढ़ सकते हैं आप दूसरे पॉइंट की ओर। माधवजी पॉइंट एंड खंडाला पॉइंट विजिट कर आने के बाद आपको ये रोड से चलकर सीधा आना है, और यहाँ पर आपको दो डाइवर्जन नज़र आएंगे, तो इनमें से आपको ये वाला रूट लेना है, क्योंकि इसी रूट से आपको सभी टूरिस्ट पॉइंट एक ही लाइन में मिलेंगे। मैं आपको जो रास्ता बोल रहा हूँ उसी रास्ते से आपको सीधा जाना है, और वहाँ से सीधा आने के बाद आपको यहाँ पर फिर से दो डाइवर्जन मिलेंगे। आपको जो येलो गेट सामने नज़र आ रहा है, बड़ा येलो गेट, उसी से आपको सीधा सीधा जाना है, वहाँ से आप सीधा चार्लेट लेक के पास पहुँच जाओगे। सो अभी हम पहुँच चुके हैं हमारे नेक्स्ट टूरिस्ट पॉइंट पर, जिसका नाम है चार्लेट लेक। और यहाँ पर आप देख सकते बहुत ही ब्यूटीफुल नेचर का नज़ारा है यहाँ पर, और चार्लेट लेक के पास में आपको चलने के लिए वॉकवे बना हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग फोटोस वगैरह क्लिक कर रहे हैं, तो यहाँ से आप नेचर के मज़ा ले सकते हैं। और चार्लेट लेक के पास में ही एक वाटरफॉल बना हुआ है, जो कि चार्लेट लेक का पानी ओवरफ्लो होकर नीचे बह रहा है। ये वाला वाटरफॉल आपको सिर्फ मानसून में ही मिलेगा, और ऐसा ब्यूटीफुल नज़ारा आपको सिर्फ मानसून में मिलेगा। यहाँ पर फॉग आते जाते रहता है, और यहाँ पर बहुत ही अद्भुत और बहुत ही अलग आपको यूनिक नज़ारा देखने को मिल सकता है। और इस वाले वाटरफॉल में आप जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आपको ध्यान देना है कि मानसून के सीज़न में थोड़ा सा स्लिपरी हो जाता है, तो आपको केयरफुली इस वाटरफॉल में जाना है, और केयरफुली आपका सेफ्टी का पहले आपको ख्याल रखना है, क्योंकि बहुत जन पैर स्लिप होके गिर भी जाते और इंजर्ड भी हो सकते हैं, तो आपको केयरफुली एंजॉय करना है। सो अभी हम निकल पड़े हमारे नेक्स्ट टूरिस्ट पॉइंट की ओर, जिसका नाम है लॉर्ड्स पॉइंट। लॉर्ड्स पॉइंट चार्लेट लेक के पास में ही बना हुआ है, लेक के पास में यहाँ से जाने के लिए रास्ता है। तो इस पॉइंट पर आप देख सकते हैं यहाँ से आपको डैम का नज़ारा नज़र आता है, यहाँ से आपको एक डैम नज़र आता है, और यहाँ से आपको बहुत सारे वाटरफॉल्स भी नज़र आते हैं, लेकिन मानसून में यहाँ पर ज़्यादा फॉग होने के कारण हमको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी कर सकते, आर्चरी वगैरह, गन शूटिंग वगैरह, यहाँ पर बहुत सारे गेम्स होते रहते, अगर आप करना चाहते तो कर सकते हैं यहाँ पर। और अभी हमें लॉर्ड्स पॉइंट पर, इस पॉइंट्स का नाम है लॉर्ड्स पॉइंट। सो अभी हम निकल पड़े हमारे नेक्स्ट टूरिस्ट पॉइंट की ओर, जिसका नाम है सीलिया पॉइंट। सीलिया पॉइंट भी चार्लेट लेक के पास में लोकेटेड है, और ये पॉइंट जितना खूबसूरत है उतना ही डेंजरस भी है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये पानी नीचे फोर्सफुली नीचे गिर रहा है, और ये वाटरफॉल में कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं रेलिंग्स वगैरह लगाए हुए, और अभी हम यहाँ पर टॉप पे खड़े, और यहाँ पर जाना रिस्की साबित हो सकता है। इस पॉइंट को आपको विजिट करना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा डेंजरस है, तो यह इस पॉइंट को आपको दूर से ही देखना है। सो अभी हम निकल पड़े हमारे नेक्स्ट टूरिस्ट पॉइंट की ओर, जिसका नाम है किंग जॉर्ज पॉइंट, जो कि माथेरान का सबसे अलग और सबसे यूनिक टूरिस्ट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सारे मल्टीपल वाटरफॉल्स नज़र आते हैं, जो कि हवा के वजह से रिवर्स वाटरफॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। आप देख सकते हवा बहुत जोर से चल रही है, और यहाँ पर जो वाटरफॉल है वो रिवर्स वाटरफॉल में कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते बहुत ही ब्यूटीफुल क्लाउड्स मूव हो रहा है,
ये नज़ारा आपको सिर्फ यहाँ पर मानसून में ही मिलेगा। यहाँ पर फॉग आते जाते रहता है, कभी नज़ारा क्लियर होता है तो कभी पूरा फॉग ही फॉग होता है, और ये पॉइंट से आपको रिवर्स वाटरफॉल जरूर देखने को मिलेगा। तो फाइनली हम निकल पड़े माथेरान के सबसे फेमस और सबसे मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट पॉइंट पर, और यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट विजिट करना चाहते हैं। इस पॉइंट का नाम है इको पॉइंट। इस पॉइंट को इको पॉइंट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से जब आप आवाज़ लगाते हो तो आपकी आवाज़ आपको रिप्लाई देती है, यानी कि आपकी आवाज़ का इको बनकर आपको रिप्लाई आता है। और इस जगह से आपको वाटरफॉल्स दिखते हैं, और यहाँ से आपको मानसून में क्लाउड्स मूव होते हुए दिखता है, यहाँ से आपको फॉग दिखता है, वाटरफॉल दिखता है। और ये माथेरान का सबसे यूनिक पॉइंट है, और यहाँ से आप एक बार ज़रूर आवाज़ लगाना, आपकी आवाज़ आपको रिप्लाई ज़रूर देगी। और ये माथेरान का सबसे मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट पॉइंट है। और इसी पॉइंट के बाजू में आपको होटल्स नज़र आएंगे छोटे, यहाँ पर आप ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हैं। हर टूरिस्ट के पॉइंट के बाहर आपको ऐसे होटल्स नज़र आएंगे जहाँ पर आप ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको माथेरान हिल स्टेशन के सभी पॉइंट्स दिखा दिए जो कि सबसे पास में, और यहाँ पर आप चलकर भी जा सकते हैं। बाकी के पॉइंट्स थोड़े से दूर है, वहाँ पर आपको हॉर्स राइडिंग करते हुए जाना होगा, या फिर वहाँ पर भी आप चलकर जा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा दूर है, आपको थोड़ा सा चलना होगा। तो ये पॉइंट्स आप एक दिन में कवर कर सकते हैं। और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें।